दोस्तों, एक्सेल का इंट्रो तो हमने समझ लिया है। अब हम देखने वाले हैं क्लिपबोर्ड के बारे में, क्लिपबोर्ड रिबिन। यहाँ पर देखिए, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि ये मेरे को नेम कट करना है तो यहाँ पर कैंची पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कीजिए, कट और पेस्ट। अगर इसे मेरे को कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका शॉर्टकट की है, यहाँ पर देखिए, कट का शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, कॉपी का शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, और पेस्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। और ये है फॉर्मेट प्रिंटर। ये फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर अभी मैं कोई भी नेम लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक राज करके नेम लिखा है, तो इस नेम को मेरे को क्या करना है, सेम फॉर्मेट में, मतलब सेम जो यहाँ पर देखिए सेंचुरी है और 18 हमारा फॉन्ट है, तो सेम मेरे को फॉर्मेट में लाना है। तो हमें कोई भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब जिस फॉन्ट का होंगे सेम टू सेम डिज़ाइन इस फॉन्ट पे लागू करना है, इस फॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना है, मतलब उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो हमने फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया है, उसके बाद में इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करना है। ये देखिए, सेम फॉन्ट और सेम कलर जो भी था आपने दिया था वो ऑटोमेटिकली इस पर लागू हो गया है। दोस्तों, आपको तो क्लिपबोर्ड समझ में आ ही गया होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं फॉन्ट रिबन के बारे में। देखिए, यहाँ पर देखिए एक फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है, तो ये कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी ये टोटल है, टोटल का फॉन्ट साइज है ना चेंज है, फॉन्ट स्टाइल इसे कहते हैं, जो हमको फॉन्ट स्टाइल पसंद है। जैसे यहाँ पर देखिए, कॉपर ब्लैक है, बहुत सारे दुबई मीडियम है, मैं दुबई मीडियम ले लेता हूँ, एलिफेंट है, बहुत सारे स्टाइल के हैं जो आपको पसंद है। आप देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल के दिखे हैं, तो आपको जो पसंद है आप उसे सिलेक्ट करके डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो फॉन्ट स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद में ये फॉन्ट का साइज होता है, ये फॉन्ट का साइज आपको जो साइज चाहिए उस साइज में आप सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, 15 नंबर नहीं, अगर आपको मैन्युअली आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज देना है तो आप मैन्युअली भी आप इंटर कर सकते हो कीबोर्ड की मदद से। यहाँ पर देखिए, जो ए का प्लस का सिंबल है ए, तो इससे क्या होता है, फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, और इस पर क्लिक करोगे तो फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है, मतलब फॉन्ट साइज इससे बढ़ेगा और इससे कम होगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये होता है बोल्ड। अभी एक हमारे टेक्स्ट है, थोड़े लुकड़े हैं, मतलब इसे हम कह सकते हैं बोरे से, मतलब नॉर्मली देखा जाएगा तो सूखे सूखे लग रहे हैं, तो इसे जाड़े करने हैं, मोटा करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जाड़ा अक्षर में हो जाता है, और इसे हम वापस क्लिक करेंगे तो नॉर्मल में हो जाता है। अभी हमारे ये टेक्स्ट है एकदम स्ट्रेट खड़े है, तो हमें इसको आड़े मतलब गिराना है, तो इसको बोलते हैं इटैलिक। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, क्रॉस में आप हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्रॉस में गिरेंगे। इसके बाद में मुझे इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो यू पे है, ये अंडरलाइन का है, इस पर आप क्लिक करोगे तो अंडरलाइन है, बहुत सारे स्टाइल्स के अंडरलाइन आप यहाँ पर देख सकते हो, डबल अंडरलाइन और एक सिंगल, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अभी यहाँ पर देखिए, मुझे अगर इस सेल को बॉक्स लगाने हैं तो मैं एक कोई भी सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर बॉक्सेस आ गए, ये बॉर्डर्स लगाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, नो बॉर्डर हम क्लिक करेंगे तो हमारे बॉर्डर्स हट गए। मुझे क्या चाहिए, सिंगल साइड में चाहिए बॉर्डर, जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में चाहिए तो लेफ्ट साइड में ले सकते हो, आपको राइट चाहिए तो राइट में ले सकते हो। यहाँ पर देखिए, राइट में ऑप्शन दिया है, राइट 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 लेफ्ट और राइट, यहाँ पर देखिए, ठीक है, बॉक्स लगाना तो हम देख लिए, लेकिन मुझे क्या क्या कलरफुल बॉक्सेस चाहिए। तो आपको क्या करना है, कलरफुल बॉर्डर के लिए आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट कर लेना है, और डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो आप। यहाँ पर देखिए, आ रहे हैं हमारे बॉक्सेस, नहीं मुझे क्या करना है, डायरेक्टली और दूसरे कलर में चाहिए, तो यहाँ से आपको जो कलर चाहिए वो कलर में आप वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा बॉक्स कलरिंग हो गया, लेकिन मुझे जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किए उसके मेरे को मिटाना है, तो इरेज बॉर्डर से हम यहाँ से मिटा भी सकते हैं। तो चलिए, आपको ये तो समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे लाइन स्टाइल भी दिए हैं, अगर बॉर्डर की आपको अलग अलग बॉर्डर की स्टाइल है, इस डबल बॉर्डर पर क्लिक करोगे तो आप डबल बॉर्डर का लाइन ड्रॉ होगा। उसके बाद में देखिए, बकेट से इसमें बोलते हैं फिल कलर। फिल कलर से क्या होता है, जिससे कि हम कोई भी अभी बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, अभी समझ लो ये सेल है, इस सेल को हमने सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मेरे को कलर डालना है, तो ये देखिए बहुत सारी सेल के हिसाब से हम जो कलर पसंद है वो कलर अपन सेल को दे सकते हैं। आप सिंगल सेल को क्या मल्टीपल सेल को भी दे सकते हैं, आपको खाली बस सिलेक्ट करना होता है, और सिलेक्शन के हिसाब से वो होता है, जैसे आप सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से हमने
कलर फिल कर दे। अभी इसे हम बॉक्सेस देना है तो हम बॉक्सेस हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे कलर के हिसाब से बॉक्स और कलर में आ गए। अभी ये होता है टेक्स्ट टूल। ये टेक्स्ट टूल में क्या होता है, फॉन्ट कलर होता है, मतलब जो टेक्स्ट है हमारे जो टाइप किया है इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, ब्लू चाहिए, रेड चाहिए, जो कलर चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। और मोल कलर में क्या होता है कि आपको मैन्युअली आप जो कलर पसंद कर सकते हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, आपका कलर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों हम अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक समीक्षण नेम है, अभी इसको मेरे को मिडल में लेना है। तो यहाँ पर एक सेंटर का ऑप्शन है, सेंटर अलाइनमेंट इसे बोलते हैं, और ये होता है राइट अलाइनमेंट और ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट में चाहिए तो आप इसे क्लिक कीजिए, राइट में चाहिए तो इसे क्लिक कीजिए, और सेंटर में चाहिए तो इसे क्लिक कीजिए। अभी आप बोलोगे कि आप सिंगल कर रहे हो, आपको मल्टीपल भी कर सकते हो, आपको जितने टेक्स्ट चाहिए उतने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद मिडल पर क्लिक करूँगा तो मिडल में आएगा, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, राइट में चाहिए तो राइट में, जैसे हमने राइट में किया, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में ले सकते हैं। अगर आपको कोई सिंगल टेक्स्ट ही करना है या कोई नंबर्स करने हैं, देखो हम मिडल में करना है तो मिडल में कर सकते हो, और राइट में चाहिए तो राइट में, ये तो समझ नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए ऊपर में हेडिंग में कुछ और अलाइनमेंट्स है, जैसे कि समीक्षा नेम है, इसलिए मैंने बड़े बॉक्स में लिया है, आपको ये बड़े सेल में लिया है, यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ गया है, ये एकदम बीचों बीच में आ गया है। और यहाँ पर देखें डाउन, ये डाउन अलाइनमेंट है, ये टॉप अलाइनमेंट है, और ये सेंटर अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट इसे बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिए है, यहाँ पर देखिए डिक्रीज इंडेंट और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट, मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम स्पेस बार का यूज करते हैं वैसे ही यहाँ से डायरेक्टली आप स्पेस यूज कर सकते हैं इसका, और वैसे स्पेस आउट कर सकते हैं, मतलब स्पेस कम कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट रोटेशन दिया है, जैसे कि हमें टेक्स्ट को कोई भी, अभी यहाँ पर मैं पूरी एक रो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकता हूँ, जैसे चीज इसे यहाँ पर देखिए हमने किया है, जो टेक्स्ट डायरेक्शन चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप वहाँ से दे सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट सेल में जाइए डायरेक्टली, यहाँ से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, देखिए यहाँ पर जितना चाहिए जितना डिग्री में आपको उसको रोटेट करना है उतने डिग्री में आप रोटेट कर सकते हैं। और आप वापस आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे, अलाइनमेंट पर क्लिक करोगे, उसके साथ में आपको यहाँ पर देखिए साइज भी आप मतलब यहाँ से जितनी डिग्री का चाहिए उतनी डिग्री में आप यहाँ पर सेट करके आप ओके कर सकते हैं। ये था हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन हो गया। और यहाँ पर अभी रैप टेक्स्ट, इससे क्या होता है, जैसे कि अभी देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ एक नेम लिखते हैं, जीनियस सॉल्यूशन। अभी क्या हुआ, ये देखिए जीनियस सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर आ गया है, बराबर है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ तो अरे कहाँ गया हमारा जीनियस सॉल्यूशन, यहाँ पे तो देख ही नहीं रहे कहाँ पे गया। चले हम वापस से दोबारा कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता है तो इस कॉलम की साइज है ना थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जीनियस सॉल्यूशन है ना, मेरे को क्या चाहिए, ये दोनों बॉक्स के अंदर चाहिए, तो रैप टेक्स्ट जैसे करूँगा तो एक छोटे कॉलम में भी वो बैठ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अप और डाउन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एक ही कॉलम में छोटे अपन जितना साइज डिक्रीज करेंगे उतने साइज के हिसाब से वो एडजस्ट होगा। मर्ज एंड सेंटर, मतलब हमने तीन चार कॉलम सिलेक्ट करने हैं, मतलब तीन चार जो हमारे कॉलम से हमने सिलेक्ट किया है, उसके बाद में मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक जैसे करोगे तो सेंटर में आ जाएगा, जो हमारा जितने हमने कॉलम सिलेक्ट किए उसके एक सेंटर में वो टेक्स्ट आ जाएगा, इसलिए हम मर्ज एंड सेंटर के यूज़ करते हैं। अगर वापस इससे क्लिक करोगे तो नॉर्मल पे हो जाएगा। दोस्तों अलाइनमेंट टूल के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ गए, अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको नंबर्स के बारे में, आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि नंबर ग्रुप में है ना बहुत सारी चीज़ें जो आपके बहुत काम की है। यहाँ पर देखिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और परसेंटेज पर क्लिक करता हूँ, जैसे परसेंटेज पे क्लिक करूंगा यहाँ पर परसेंटेज में ये कन्वर्ट हो गया। परसेंटेज का कन्वर्ट के लिए यूज़ करते हैं परसेंटेज का यहाँ पर ऑप्शन है। उसके बाद अगर मुझे यूएस है, ये क्या होते हैं डॉलर्स में होते हैं, इसके आगे मेरे को डॉलर का सिंबल चाहिए तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे डॉलर का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको चाइना चाहिए, यूरो चाहिए, आप यहाँ से ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसे डॉलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, नॉर्मल में ही यहाँ पर जो डॉलर है यूनाइटेड किंगडम।
नो सॉरी, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये डॉलर में हमारे कन्वर्ट हो गए। अगर मुझे इसके आगे जो डॉट पॉइंट 0.00, इसे कहते हैं डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल नंबर मतलब 32 रुपये 25 पैसा जिसे बोलते हैं हम, तो डेसिमल प्लेसेस में आता है। तो अगर मुझे नहीं चाहिए डेसिमल प्लेसेस तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटा दूंगा, अगर मुझे चाहिए तो यहाँ से बढ़ा दूंगा। जितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो आप यहाँ से कम ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अकाउंट से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, अगर इसे मेरे को नॉर्मल करना है, नहीं मुझे कोई फॉन्ट नहीं रखना है, कोई डॉलर नहीं रखना है, ये नॉर्मल टेक्स हो जाए, यहाँ पर आप जैसे जनरल पर क्लिक करोगे नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में आता है नंबर्स, नंबर में कन्वर्ट होते हैं, तो जैसे ऑटोमेटिक आप जैसे नंबर पर क्लिक करोगे डेसिमल प्लेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर उसका नीचे देखिए, वहाँ पर उसका एग्जांपल भी दिया है, करेंसी आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर है डॉट डेसिमल प्लेसेस आएंगे, अकाउंट्स में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे है। अगर आपको डेट चाहिए तो डेट, अगर यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं कोई भी एक एक्स वाई जेड, यहाँ पर देखिए हमने एक डेट लिखी है, यहाँ पर देखिए 11/8/2021, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डेट लिखी है, इस डेट को मेरे को कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करना है, मोर नंबर में जाना है, डेट के ऑप्शन से जैसी डेट चाहिए वैसे आप सिलेक्ट करो और ओके कीजिए, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अगर मुझे ये नॉर्मल जैसी थी वैसी चाहिए तो आप क्या करोगे, वापस उसी में जाओगे, मोर नंबर एंड फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करोगे फिर जाना है आपको कस्टम में, कस्टम में जाके इसे सिलेक्ट करना है, टाइप को हटाकर कट करना है, डी डी, डी डी मतलब डे हुआ, एम एम मतलब मंथ हुआ, एक वाई 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 4 टाइम वाई यूज करना है तो ईयर होता है आपका। देखिए आपका नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, जैसी डेट चाहिए थी वैसी। यहाँ पे परसेंटेज आपको समझ में आ गया, टाइम समझ में आ गया, फ्रैक्शन है, यहाँ पे टैक्स है, टैक्स टूल का भी यूज होता है। देखिए यहाँ पर मैंने, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा बहुत सारा नंबर्स है यहाँ पर, लेकिन ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का सिंबल आ रहा है, ये साइंटिफिक में दिख रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, पूरा दिखना चाहिए। तो आप जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, और इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे ये पूरा और पूरा नंबर्स आपको यहाँ पर शो करेगा। आप दोबारा भी टाइप करोगे तो आपको पूरा नंबर यहाँ पर दिखेगा, लेकिन आपको उससे पहले पूरी कॉलम सिलेक्ट करनी है और टेक्स्ट टूल को क्लिक करना है, उसके बाद में आप डबल क्लिक करोगे तो ये कन्वर्ट आपको पूरा पूरा टेक्स दिखेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, टेक्स्ट टूल आप समझ गए, साइंटिफिक फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे, मोर टूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि जनरल में तो नॉर्मल होता है, नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर देखिए जितने चाहिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है यूज 1000 के बाद में, अगर 1000 हो जाते हैं उसके बाद में हमारा कॉमा लगना चाहिए, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक कॉमा लगेगा। अभी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसे, इसको सिलेक्ट करने के बाद में हमने क्या किया, मोर नंबर्स फॉर्मेट में जैसे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर पर क्लिक करना है, यूज पे क्लिक करना है, यूज 1000 पे, जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली कॉमा यूज हो गया, इसमें कॉमा ऑटोमेटिकली लग गया, 1000 का जो भी था, 1000 के जो नंबर थे हमारे रुपीज थे ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो गए कॉमा में। ठीक है, मोर नंबर्स फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें, जैसे करेंसी, करेंसी में आपको जो चाहिए वो आप यूज कर सकते हो, डेट में बहुत सारे स्टाइल्स है, परसेंटेज में भी डेसिमल प्लेसेस आप दे सकते हो, नहीं चाहिए तो आप नहीं दे सकते, जीरो करोगे तो आप जीरो भी कर सकते हो। यहाँ से कस्टम्स में बहुत सारे डिजाइन है, जैसे डेट ही देखिए, डेट का फॉर्मेट है, साथ में आपको यहाँ पे टाइमिंग का भी दिया है, जैसे आप क्लिक करोगे डेट और टाइमिंग यहाँ पर आएगा, जिसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर दे, यहाँ पर क्लिक किया डेट और टाइमिंग, इधर कस्टम में गए, कस्टम में जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे, ठीक है टाइमिंग आ गया, जैसे चाहिए वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देख रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, आपको इस पर क्लिक करना है, हाईलाइट सेल, यहाँ पर देखिए हाईलाइट के सेल में ग्रेटर देन सबसे फर्स्ट है, ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, जैसे हम पहले कोई भी सेल को हमें इसके अंदर ढूंढना है, जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है उस टेबल और जितने जितना हमारा एरिया है, जिसे हम बोलते हैं कि जिसमें हमारा डाटा है उतना सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट में जाना है, फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए 49 के जितने भी ऊपर यहाँ पर सेल दिखाई दे रहे हैं ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गए, मुझे क्या करना है अभी पर्टिकुलर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ओनली मेरे को क्या करना है इंग्लिश के सब्जेक्ट के
कौन टॉपर है, जिसे मेरे को है ना 50 अबव कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं अभी यहाँ पर दिखता हूँ 70 अबव सभी है। अगर मेरे को क्या करना है, 70 अबव कितने हैं, यहाँ पर देखिए 70 अबव कितना है, एक ही बच्चा है। 60 अबव में कितने हैं, एक ही है। 20 अबव में कितने हैं, देखो 20 अबव में बहुत सारे हैं। जैसे हम ग्रेटर देन पर क्लिक करोगे तो हमें ग्रेटर देन के ऊपर बच्चे दिखाएंगे, मतलब ग्रेटर देन जो भी है आपका दिखाई देगा वहाँ पे। अगर आपको लेस देन चाहिए, अगर आपको क्या करना है 20 के नीचे कितने बच्चे लोगे, मतलब 20% के नीचे कितने हैं, यहाँ पर आपको दिखेंगे एक महावीर करके, वो 17% से है, मतलब 17 मार्क्स से वो उसका मिला है। तो आप उसको कलर भी देख सकते हैं कस्टम में। कस्टम में जाकर आप फील्ड में जो होंगे, ये देखिए यहाँ पर फील्ड का ऑप्शन है, आप इसको कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन लेस देन आप समझ गए, बिटवीन। लेकिन क्या करना है आपको, जो भी आप रूल अप्लाई करते हो उसको सिलेक्ट करके क्लियर रूल करना है आपको सिलेक्टेड में। उसके बाद में सेकेंड जो भी आपको अप्लाई करना है, सेकेंड हाईलाइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं। बिना उसे क्लियर करके कोई भी फॉर्मेट यूज़ मत कीजिए। ओके, आपको बता दूँ अभी बिटवीन में क्या होता है, अगर एक से बीच के 20 में कितने बच्चे हैं, यहाँ से आपको पता कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर से भी यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। फोर्थ में इक्वल, यहाँ पर देखिए हमने क्लियर रूल नहीं किया है इसलिए ऑटोमेटिक हाईलाइट कोई भी हटा नहीं है। इसको वापस से आपको क्या करना है, क्लियर रूल करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हाईलाइट में जाना है। इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, सेम वैल्यू। देखो 98 की वैल्यू किस में है, महावीर को ही मिली है। वापस आपको इसमें जाकर टेक्स्ट में, अगर आपको इससे कोई टेक्स्ट फाइंड करना है तो आपको टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पर देखिए आपको कलर हो जाएगा। डुप्लीकेट वैल्यू आप यहाँ से पता कर सकते हो और यहाँ पे देखिए डेट का यहाँ पर ऑप्शन दिखा है, तो आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे डेट पे, और यहाँ पर ऑप्शन में जाते हैं डेट के ऑप्शन में। डेट के जैसे ऑप्शन के रहे, देखो एस्टरडे के कल की डेट थी 15/8/2021, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया टुडे आज की है, क्या टुडे आज की डेट यहाँ पर फाइंड नहीं हो रही है। लास्ट वीक यहाँ पर देखिए, लास्ट वीक में कौन सी डेट है, आपको यहाँ पर कलर हो जाती है। आपको मैं बता दूँ कि हम जो भी रूल अप्लाई करते हैं उसके बाद में इसको क्या करना है, क्लियर रूल कर लेना है याद से। ओके, आपको तो समझ में आ गया होगा हाईलाइट्स कैसे होता है। टॉप में भी वही सेम है, देखिए यहाँ पे इसे ग्रेटर देन दिया है, लेकिन टॉप 10 में क्या होता है, 10 कोई कौन से ऐसे 10 बच्चे हैं जो टॉप 10 है, मतलब टॉप 10 उसके मार्क्स है। अगर मुझे टॉप 1 चाहिए तो टॉप 1 भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, तो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाला बच्चा है, ठीक है। ये स्टूडेंट है हमारा सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाला। अगर आपको 2 चाहिए तो 2 स्टूडेंट के आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर से आपको क्लियर रूल करना है। तो आप अभी देखिए टॉप 10 में परसेंटेज निकाल सकते हो यहाँ से, बहुत एवरेज निकाल सकते हो और बिलो एवरेज, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन था सेम वैसे यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर आइकॉन देने हैं, यहाँ पर देखिए आइकॉन का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन अलग अलग टाइप्स के आइकॉन से, उसके हिसाब से देखो टावर्स के आइकॉन है, किसके परसेंटेज के हिसाब से टावर ज़्यादा है और किसके परसेंटेज के हिसाब से कम है। यहाँ पे कलर्स के स्केल है, यहाँ पे कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। डेटा बार भी है, यहाँ से बहुत सारे डेटा भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टाइल में आपको कलर ज़्यादा और कम यहाँ पर फील होंगे, जैसे जिसके परसेंटेज ज़्यादा है उसके हिसाब से कलर ज़्यादा है और जिसके कम है उसके हिसाब में कलर कम है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक और रूल आता है मैनेज रूल में, इससे हम क्या कर सकते हैं, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल आता है, जो न्यू रूल से हम क्या कर सकते हैं, हमका खुद का हमारा एक रूल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं डुप्लीकेट वैल्यू का एक रूल बना रहा हूँ, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू जितने भी है इसमें उसका क्या करना चाहिए, येल्लो कलर में होनी चाहिए। यहाँ पर ओके करूँगा और ओके करूँगा, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो भी है डुप्लीकेट में यहाँ पर देखो 25-25 है, तो डुप्लीकेट कलर हो गया है। इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, मैनेज रूल में जाना है। जो भी हमने रूल अप्लाई किया है यहाँ पर आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। ओके, ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोस्तों अब हम फॉर्मेट टेबल के बारे में देखने वाले हैं। आपको क्या करना है,
सबसे पहले जो भी आपका डाटा है उसे सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट टेबल पे जाना है। यहाँ पे प्री प्रीपेड मतलब पहले से बनाए हुए बहुत सारे डिजाइन से आपको उसके ऊपर जो भी पसंद है आपको सिलेक्ट करना है और ओके कर लेना है। देखो यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन में एक सिंपल अच्छे से एक डिजाइन में एक टेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद में जैसे आप टेबल पे जैसे क्लिक करते हो तो एक डिजाइन नाम का एक फोल्डर ऑन हो जाता है, एक डेवलपर टैब इस पे आ जाता है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया है हेडर रो चाहिए आपको नहीं चाहिए तो आप क्लिक करो तो हट जाएगा, चाहिए तो वापस क्लिक करो तो आ जाएगा। टोटल रो का ऑप्शन चाहिए, देखो नीचे एक टोटल का ऑप्शन आ गया, नहीं चाहिए तो नहीं करें। फर्स्ट कॉलम चाहिए आपको, हाईलाइट चाहिए तो हाईलाइट हो जाएगा, नहीं चाहिए तो नहीं होगा। लास्ट कॉलम चाहिए, देखो लास्ट कॉलम का हाईलाइट कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, जो भी आपको इफेक्ट यहाँ से करना है और यहाँ से अलग अलग स्टाइल के आप चेंजेस कर सकते हो। ये था हमारा टेबल। अगर आपको कोई भी सिंगल सेल करना है, सेल जिसे यहाँ पर ये सेल्स होते हैं सिंगल सेल, आप नहीं करते सेल का यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिजाइन से आप वापिस से इसे सेलेक्ट करते होते हैं, हमारे सेल्स हुए हैं देखो, सेल का भी स्टाइल हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल्स के बारे में हम समझ लेते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल से क्या होता है, शिफ्ट राइट मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखिए कोई भी एक सेल ले लेते हैं जैसे कि हमने सोमैया के बाद में इंग्लिश वाला सेल सिलेक्ट किया, मुझे क्या करना है यहाँ पर एक सेल इंसर्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करूँगा इंसर्ट सेल। अब फिर देखिए शिफ्ट सेल राइट जैसे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक शिफ्ट हो जाएगा, जो भी अपना कंटेंट है वो आगे हो जाएगा और एक सेल यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, मुझे आगे नहीं चाहिए, इंसर्ट में वापस क्लिक करूँगे, शिफ्ट सेल डाउन मतलब मुझे नीचे होना चाहिए, तो देखो नीचे हो गए ये सब कंटेंट और यहाँ पर एक ब्लैंक जगह होगी। वैसे आप शिफ्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है इंटर रो मतलब क्या होगा, इधर एक रो इंसर्ट हो जाएगा, इंटायर रो देखिए। सेकंड ऑप्शन दिया है यहाँ पर इंटायर कॉलम मतलब यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक कॉलम यहाँ पर बढ़ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। सेम यही है, शीट रो चाहिए आपको तो रो शीट हो जाएगा और यहाँ पर इंसर्ट कॉलम चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर दोनों इंसर्ट में ही था। अभी इंसर्ट शीट्स जैसे यहाँ पर देखिए शीट वन है शीट टू हो जाएगा, यहाँ पर एक और पेज आने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट शीट ठीक है। यहाँ पर देखिए शीट के बाजू में भी आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा है, यहाँ से भी न्यू शीट आप क्रिएट कर सकते हो और राइट क्लिक करके यहाँ से भी रीनेम इस शीट को कर सकते हैं, तो मैं आपको रीनेम के लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए हम देखते हैं हमारे डिलीट के बारे में। यहाँ पर देखिए डिलीट का एक है डिलीट सेल, जैसे अगर मुझे ये सेल डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे, सेल का मीनिंग ध्यान में रहे, कोई भी एक सिंगल बॉक्स होता है उसे सेल कहते हैं ठीक है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसे मुझे डिलीट करना है, यहाँ पर डिलीट करना है, अप करूँगा तो नीचे का कंटेंट ऊपर आ जाएगा, देखिए आ गया। सेकेंड में लिखा है डिलीट शीट, अब ये देखिए मुझे अगर ये पूरी की पूरी शीट ही डिलीट करनी है तो आपको क्या करना है, डिलीट शीट पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक हमारी ये शीट डिलीट हो जाएगी। अगर देखिए मेरे को शीट नंबर 8 डिलीट करना है, इसके ऊपर क्लिक किया, डिलीट शीट पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए डिलीट हो गई। यहाँ पर देखिए डिलीट शीट रो, जैसे कि मेरे को अभी ये रो डिलीट करनी है, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर डिलीट रो करूँगा, देखो डिलीट हो गई। अभी यहाँ पर थर्ड में दिखाया गया डिलीट कॉलम, देखिए कॉलम है डिलीट शीट कॉलम में आपको क्या करना है, कोई भी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, जिस कॉलम को डिलीट करना है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, डिलीट हो गया कॉलम, डिलीट हो गया। अभी कॉलम और रो इंसर्ट करने की शॉर्टकट के लिए कंट्रोल प्लस, कॉलम रो भी इंसर्ट करने के लिए कोई भी इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस और डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस ओके। ये था हमारा शॉर्टकट की भी हो गया, आपको ये समझ में आ गया। अभी दोस्तों हम फॉर्मेट के बारे में अभी यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूँ फॉर्मेट सेल में क्या होता है, जिससे रो हाइट है, रो हाइट के मतलब जिसकी ये है हमारी ये होता है रो, इसे हम क्या करेंगे मैन्युअली, आप यहाँ पर देखिए एक सिंबल आ जाता है एक अलग तरह टाइप का प्लस का, इससे आप मैन्युअली भी आप यहाँ से क्लिक करके आप क्या करते हो रो की हाइट बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर नंबर से हाइट बढ़ानी है और विड्थ उसकी क्लिक करनी है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको मैन्युअली आप जो भी आप नंबर टाइप करोगे इसके हिसाब से हाइट एडजस्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए बहुत सारी बहुत कम हाइट होगी, इसका आप क्या कीजिए डबल क्लिक कीजिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी।
उसके बाद में यहाँ पर दिया है ऑटो फिट हाइट, जिससे कि यहाँ पर देखिए मयूरेश का जो है हाइट है ना प्रॉपर नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली फिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इसने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको फॉर्मेट में जाना है, ऑटो फिट हाइट पे क्लिक करोगे देखो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिखा है कॉलम विड्थ, सेम वही है जो कॉलम है हमारी, हम इसे कॉलम कहते हैं जिसे सिलेक्ट किया। उसके बाद में आपको कॉलम विड्थ है मैनुअली जो नंबर देना है आपको देना है, जिसे हमने 12 दिया तो थोड़ी सी हाइट उसकी बढ़ गई है, सॉरी विड्थ बढ़ गई है। ऑटो फिट कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा नेम के हिसाब से। उसके बाद में डिफॉल्ट विड्थ जो उसकी डिफॉल्ट रहती है, लेकिन कुछ भी आपको करना है यहाँ पे तो आपको उसके पहले आपको जो भी डाटा को चेंजेस करना है उसको सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद में आप उसको ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जैसे कि हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और जो भी हम उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ओनली इसी कॉलम के ऊपर वो अप्लाई होगा, ठीक है आप समझ गए होंगे। इसके बारे में आपको बताता हूँ हाइड, हाइड और अनहाइड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे को ज्योग्राफी किसी को दिखना नहीं चाहिए, ये हाइड होना चाहिए, तो ज्योग्राफी हमने सिलेक्ट किया कॉलम को और यहाँ पर हाइड पर क्लिक किया, ये क्या था कॉलम है इसलिए कॉलम पर क्लिक किया तो हाइड हो गया देखो यहाँ पे, लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ ज्योग्राफी का। आप डबल क्लिक यहाँ पर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो अनहाइड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी आपको यहाँ से, जैसे कि मैं इससे पहले हाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए हाइड कॉलम और अनहाइड के लिए यहाँ से भी आप वापस से कॉलम को अनहाइड कर सकते हो, अनहाइड कॉलम्स सेम वैसे ही आपको अगर रो हाइड अनहाइड करना है, हाइड करना है तो यहाँ से रो भी आप हाइड कर सकते हो और अनहाइड करना है तो वापस वहीं पर जाकर अनहाइड भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ से आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा, अगर कोई भी रो हाइड है तो आप पता कैसे करोगे। आपका एग्जांपल आपको बता दूँ, देखिए हम यहाँ पर रो हाइड कर रहे हैं तो मैन्युअली आपको देखना है 1 2 3 4 या फिर 5 6 7, देखिए ये तीन रो आपके हाइड है यहाँ पर आपको पता चल रहा है। आप जैसे डबल क्लिक यहाँ से करोगे ऑटोमेटिकली वो अनहाइड भी हो जाएंगे। उसके बाद में रीनेम शीट, यहाँ पर देखिए जीनियस है, आपको जीनियस के जो पे कुछ और चाहिए ये हमारी शीट होती है, राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉल्यूशन, देखिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन नेम भी आप एडिट कर सकते हो, जो भी आपको नेम पसंद है। आप इस शीट का नेम आपको जो रखना है, जैसे वर्क डाटा है, होम डाटा है, एक्सपेंस है, जो भी आप इस शीट का नेम रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हो। अगर इसको कलर देना है तो यहाँ से टैब कलर से मदद से आप टैब कलर भी दे सकते हो, और इस शीट को प्रोटेक्शन करना है तो प्रोटेक्ट शीट पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक पासवर्ड डालना है, दोबारा एक पासवर्ड री एंटर करना है वही पासवर्ड और ओके प्रेस करना है। तो इससे क्या होता है आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी शीट, आप कोई भी इसके अंदर डाटा इंटर नहीं कर सकता है और कोई डाटा डिलीट नहीं कर सकता है। अगर इसमें आपको री एडिट करना है तो अनप्रोटेक्ट करना है तो राइट क्लिक करना है आपको और इसे अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है और जो आपने पासवर्ड डाला था उसके ऊपर डाल के ओके प्रेस करना है तो शीट आपकी अनप्रोटेक्ट होंगी। इसके बाद में आप कोई भी डाटा एडिट कर सकते हैं। सेल ग्रुप तो आप समझ गए होंगे, अभी आपको मैं बता देता हूँ फॉर्मेट में एक चीज़ है जो फॉर्मेट सेल में आप देख लीजिए, जो आपको मैंने यहाँ पर बताया था फॉन्ट ग्रुप में वही सेम आपको फॉर्मेट सेल में भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अभी आपको बता देता हूँ ऑटो सम में क्या है। जैसे कि यहाँ पर इसकी टोटल करनी है तो आपको क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और ऑटो सम पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली टोटल आ गई है। अभी इसका एक फॉर्मूला है, आपको मैन्युअली भी आप टाइप कर सकते हो, इक्वल प्रेस करना है, सम टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और जो आपके कॉलम्स है, जो आपकी सेल्स है, जितनी सेल्स को आपको टोटल करना है उतनी सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस करना है। देखिए दो ऑप्शन थे आपके पास टोटल करने के लिए, एक ऑटो सम और एक मैन्युअली। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको मैन्युअली डायरेक्टली ड्रैग करना है, क्या खींचना है देखो राइट क्लिक में एक बॉक्स है, इसको क्या करना है पकड़ना है और नीचे तक खींच लेना है। जैसे आप खींचोगे तो ऑटोमेटिकली टोटल सबकी यहाँ पर आ जाएंगी। कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करते हो और उसके बाद में ड्रैग डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला नीचे तक लग जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑटो सम आप समझ गए दोस्तों, टोटल तो हमने कर लिया, अभी मुझे क्या खींचिए एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, इक्वल आपको प्रेस करना है, एवरेज लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक एवरेज चाहिए, जैसे कि हमने इस सेल तक एवरेज चाहिए उतना सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर करना है। आपको करना है सिंपली उसके बाद में ड्रैग डाउन कर लेना है तो आपका जो भी सेल में है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सबका एवरेज आ गया।
अभी मुझे क्या करना है, इस शीट में कितने नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर 8 नंबर से मुझे काउंट करने हैं। आपको क्या करना है, काउंट लिखना है, इक्वल प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करना है और पूरे पूरे जितने सेल्स है उतने सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है। यहाँ पर देखिए 8 क्यों आया, 9 आना चाहिए। आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स है और ये क्या होता है, टेक्स होता है, टेक्स इसमें काउंट नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पर काउंट में ओनली 8 डिजिट ही आए है, ये टेक्स काउंट इसमें नहीं होता है। ठीक है, अभी मैक्स, मैक्स मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर, इसमें हाईएस्ट कौन है। अगर मैक्सिमम यहाँ पर लिखना है हमें इक्वल प्रेस करना है और मैक्स मैक्स लिखना है, उसके बाद में इस सेल में जो मतलब समीक्षा का टॉप टॉप रेटिंग में किस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स है इसमें पता करना है, तो मैथ्स लिख के आप इंटर करोगे तो 79 टॉप मार्क्स है इसके साइंस में। आपको ड्रैग डाउन करना है वापस, मिनिमम सबसे लोएस्ट मार्क्स इसमें क्या है, तो आपको क्या लिखना है, मिन लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, आपको सिलेक्ट करना है जो भी सेल है आपको किसके अंदर से आपको पता करना है मिनिमम उसके मार्क्स, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर करना है। देखो मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम समीक्षा के 79 है, मतलब सॉरी मैक्सिमम 79 और मिनिमम 23 है, मिनिमम और मैक्सिमम आप समझ गए। अभी हम शॉर्ट और फिल्टर्स के बारे में देख लेते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आपकी हेडर है, जो हेडिंग है उसके ऊपर सिलेक्ट करना है, मतलब उसको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, यहाँ पर फिल्टर पे जाना है, अप्लाई करना है। अभी देखिए समीक्षा सोमैया, यहाँ पर ये क्या है, अल्फाबेटिकल नंबर्स नहीं है, अल्फाबेटिकल है क्या, नहीं, अल्फाबेटिकल मतलब ए से नाम जो भी शुरुआत है तो पहले आएगा, बी से आएगा तो वो नेम आएगा, जिसके एग्जांपल राहुल को हम चेंज कर लेते हैं अनिल। अभी क्या होना चाहिए, ये अनिल नेम है, अल्फाबेटिकल के हिसाब से ये फर्स्ट नेम में आना चाहिए, फर्स्ट रो में आना चाहिए। आपको क्या करना है, इसे क्लिक करना है ए टू जेड, शॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करोगे, देखो अनिल नाम पहला आ गया, देखिए शॉर्ट हो गया। शॉर्ट में क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पर कहेंगे अल्फाबेटिकल आ गया। अभी आप बोलोगे इसके हाईएस्ट रेट में चाहिए, इसे इंग्लिश के जो मार्क्स है सबसे टॉप में चाहिए, देखो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो लार्जेस्ट में कौन है, सबसे हाईएस्ट में मयूरेश, इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले मयूरेश को। अगर आपको सबसे लोएस्ट में चाहिए तो आप यहाँ पर वापस से क्लिक कीजिए, क्या करोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर क्लिक करोगे सबसे कम मार्क्स है महावीर को। अगर आपको ये अल्फाबेटिकल चाहिए तो आप वापस इस पर क्लिक कीजिए ए टू जेड शॉर्ट, देखिए आगे अल्फाबेटिकल, आप यहाँ से हाईएस्ट लोएस्ट और अल्फाबेटिकल यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको सीरियल नंबर चाहिए तो वहाँ पर वापस क्लिक कीजिए शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर क्लिक करोगे तो सीरियल नंबर के हिसाब से ये लग जाएगा। अगर आपको इसके अंदर किसका नेम फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, और यहाँ से भी आप क्लिक करके फाइंड करके क्लिक कर सकते हो। तो आप ज्यादातर शॉर्टकट की यूज कीजिए कंट्रोल एफ। अभी मुझे अनिल फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए अनिल लिखना है और फाइंड पर क्लिक करना है। देखो अनिल पे ऊपर डायरेक्टली कर्सर ऑटोमेटिकली चला गया, देखिए यहाँ पर अनिल के ऊपर आ गया। अभी अनिल नेम को मुझे को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर देखिए रिप्लेस का ऑप्शन है, अनिल नेम की जगह मेरे को लिखना है जीनियस। आपको करना है फाइंड पहले करना है, उसके बाद में रिप्लेस पे क्लिक करना है, देखो यहाँ पर चेंज हो गया। अगर आपको जीनियस नहीं चाहिए वापस कोई आपको अदर नेम चाहिए तो जीनियस की जगह पे आपको वापस अनिल चाहिए तो आप अनिल कर लीजिए। फाइंड विड्थ पे करना है, फाइंड पे क्लिक करना है और रिप्लेस पे करना है। अगर जहाँ जहाँ अभी यहाँ पर देखते थे हम, यहाँ पर जहाँ जहाँ 24 मार्क्स है मुझे उसके जगह पे क्या करना है, 24 को 35 करना है, ये फेल हो रहे हैं इसको पास करना है, तो मैं क्या करूँगा फाइंड ऑल पे क्लिक करूँगा। देखो जहाँ जहाँ फाइंड है तो सभी जगह पे हो गया, लेकिन यहाँ पर मेरे को 35 करना है। अभी मुझे क्या करना है, मैनुअली यहाँ पर एक फाइंड वन करूँगे तो एक एक पे जैसे से क्लिक होगा, लेकिन जिसे जिसे 24 मार्क है सभी को मेरे को क्या करना है 35 मार्क्स देना है, तो रिप्लेस ऑल पे जैसे क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ 24 थे 35 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर देखिए हो गए। ये था हमारा फाइंड और रिप्लेस, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, होम रिबिन, धन्यवाद। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंसर्ट के बारे में।